सही साथियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी बात करने वाले हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि जब हमें एक से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए क्या मेथड है या उसकी कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये आज हम सीखेंगे और आज सिर्फ हम श्रेणी क्रम वाला, आज के इस वीडियो में श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिरोधों को आपस में दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। तो आज की वीडियो में हम सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा जानते हैं, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत वाहक बल, और हमने प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत विभव और प्रतिरोधों पर की निर्भरता और प्रतिरोधों का उपयोग, विद्युत परिपथ, ये सारी चीजें क्लास 10th की हैं और मैंने ऑलरेडी इनके लिए वीडियो बना के और चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग आराम से देख सकते हैं, मन करेगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं देखेंगे तो ये वीडियो अच्छे से आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। मैं अपनी इस चैनल पर क्लास 10th की फिजिक्स और मैथ को कंप्लीट करने वाला हूं, तो आप लोग इसके लिए जुड़े रहिए अंश 5G एकेडमी के साथ। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है या क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम एक से अधिक प्रतिरोधकों को आपस में जोड़ते हैं तो उसके लिए दो प्रकार का संयोजन होता है, या तो हम श्रेणी क्रम से जोड़ते हैं या समांतर क्रम से। समांतर क्रम वाली वीडियो में कल अपलोड करूंगा, श्रेणी क्रम वाली अभी तुरंत आप लोग देख लीजिए। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा कोई विद्युत परिपथ है, कोई भी विद्युत हमारा परिपथ है। अब यहां पर इस विद्युत परिपथ में मान लीजिए एक प्रतिरोध हमारा ये जुड़ गया, दूसरा हमारा ये जुड़ गया और थर्ड ये हमारा जुड़ गया। इस प्रकार से हमने तीन प्रतिरोध यहां पे जोड़ दिया, थोड़ा सा लंबा कर दें इसको, लंबा थोड़ा सा हो जाए, इस प्रकार से तीन प्रतिरोध हमने यहां पे जोड़ दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इस प्रतिरोध में विद्युत धारा बहाना है तो इसके लिए एक सेल की रिक्वायरमेंट्स होगी, जो हमने यहां पे एक सेल लगा दिया है, लीजिए ये आपका प्लस ये माइनस, एक विद्युत सेल जिसे हम विद्युत वाहक बल जिससे जहां से निकलेगा लग गया, धारा हमारी इस तरफ को बहने लगी, मान लीजिए सपोज करते हैं इस तरफ को धारा हमारी बहने लगी। अब बात करते हैं कि यहां पर इसका विभवांतर जो है बी1 है, इसका B2 है, इसका B3 है, इस प्रकार से इसका B1, इसका B2, इसका B3, यहां प्रतिरोध R1 लगा है, यहां प्रतिरोध R2 है, यहां प्रतिरोध R3 लगा हुआ है, ठीक है। एक बात यहां पे डिफेंड इस बात पर करती है कि जब जो धारा यहां से चलेगी वही धारा यहां से होती हुई फिर यहां आएगी, जो यहां चलेगी वही यहां से यहां होती हुई आएगी, मतलब एक कंडीशन यहां पे ऐसी आ रही है कि जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वहां पर हमारी धारा यानी कि विद्युत धारा आई जो है ये फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं कि इस प्रतिरोध के लिए I1 होगा, इसके लिए I2, इसके लिए I3, ऐसा नहीं है, क्योंकि वही धारा इसमें सभी में से वही होके जाती है, वही सभी में से होके जाती है। श्रेणी क्रम में संयोजन क्या होता है कि जब हम किसी एक प्रतिरोध के एक सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे पिछले वाले सिरे से जोड़ते हैं, मतलब जब हम प्रतिरोध के सिरों को आपस में जोड़ते हैं तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मतलब एक प्रतिरोध के एक सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दें, ऐसा संयोजन, देखिए यहां पर जुड़ा हुआ है ना, ऐसा संयोजन हमारा श्रेणी क्रम में संयोजन कहलाता है। क्लियर है पहली बात? तो यहां से विद्युत धारा चलेगी, यहां से होती हुई यहां निकल आएगी। अब हम जानते हैं ओम के नियम से, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ओम, ओम के नियम से पहली हेडिंग डाली यहां पे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? सबसे पहले इसमें आपको भाषा लिखनी होगी, मतलब पूरा लैंग्वेज, कि मान लीजिए ये हमारा ई एक सेल है, विद्युत सेल जिसे बोलते हैं, विद्युत वाहक बल का कार्य करेगा, एक सेल है किसी परिपथ में जहां पे तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 लगे हैं, जिनके विभवांतर B1, B2 और B3 हैं, जिसमें हम धारा विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तब ओम के नियम से हम ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम हमारा क्या कहता है कि B = IR, ओम का नियम हमारा यही कहता है कि B = IR। क्लियर? अब अगर बात की जाए कि यहां पे B1 = क्या होगा, B1 की बात की जाए तो B1 = आपका होगा B1 = IR1, क्योंकि यहां पे प्रतिरोध R1 है,
और धारा तो सब में फिक्स है ना, धारा आपकी आई ही रहेगी, चाहे यहाँ लीजिए चाहे वहां चाहे जहां लीजिए। तो और इसी सिमिलरली बी टू इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर टू और बी थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर थ्री। ये बात सबको समझ में आया नहीं? बी वन इज इक्वल टू आई आर वन, बी टू इज इक्वल टू आई आर टू, बी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री हो जाएगा। उसके बाद की जो बात आती है कि चूंकि अगर ये टोटल विभव हम जोड़ लें, टोटल विभवांतर जोड़ लें, विभवांतर क्या होता है कि किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो विद्युत वाहक बल द्वारा कार्य किया जाता है वही हम विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभव वही कहलाता है। किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। हुआ? तो यहां से यहां तक ले जाने में जो बी वन कार्य करना पड़ा, फिर यहां से यहां तक ले जाने में बी टू, फिर यहां से यहां तक ले जाने में बी थ्री, तो हम बात करें कि यहां से डायरेक्ट यहां तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ा वो हमारा हो गया बी, टोटल कार्य बी करना पड़ा और धारा हमारी टोटल आई है और टोटल प्रतिरोधों का संयोजन अगर आर मान लिया जाए तो हम जानते हैं कि इन तीनों विभवों का मान एक निश्चित विभव के बराबर हो जाएगा। एक क्लियर नहीं? मतलब तब तीनों जो ये विभव हैं वो एक फिक्स यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो एक इन तीनों के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे हमारा हो गया, यहां पे जो निकल के आया अब कि b इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री हुआ और b बराबर हम जानते हैं कि आई आर है तो b बराबर हम रखते हैं यहां पे आई आर इज इक्वल टू बी वन इज इक्वल टू आई आर वन प्लस बी टू इज इक्वल टू आई आर टू प्लस बी थ्री इज इक्वल टू आई आर थ्री। यहां से आप लोग आई कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन लेंगे तो ये आई आई टोटल कट जाएगा तो आपका निकल के क्या आएगा आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, मतलब जितने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ते जाएंगे उतने यहां पे प्लस होते चले जाएंगे। तो अब ये रहा श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का एक नियत तुल्य प्रतिरोध, इसे बोलते हैं। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी भी विद्युत परिपथ में 5 ओम 6 ओम व 7 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध बताइए कि इनके टोटल इनका प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अब हम जान चुके हैं कि जब हमसे श्रेणी क्रम में पूछेगा तो तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे होंगे उनको हम जोड़ लेंगे वही तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। लेकिन समांतर क्रम में अगर पूछेगा तो अभी समांतर क्रम का जब मैं व्यंजक निकलवाऊंगा तो वहां पर आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि समांतर क्रम में जब पूछेगा तब हमको क्या करना है। क्लियर है? तो मान लीजिए अब यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन एक पूछ सकता है, क्वेश्चन में मैं करके बताऊं कि यहाँ पे आपको मान लीजिए पूछा है कि ये 5 ओम है, 5 ओम और ये 6 ओम, ये आपका 7 ओम है, ठीक है। तो अब तुल्य प्रतिरोध इनका बताइए तो श्रेणी क्रम में है मतलब 6 5 11 7 16, 11 और 7 18 18 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध आर इज इक्वल टू आएगा। चूंकि आप सभी जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजन है तो सभी को जोड़ लीजिए आपका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जिसमें मैं आप लोगों को समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन समझाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।